भले ही बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हों, लेकिन बाबा की सुरक्षा में अब आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल बाबा केदार धाम के गर्भगृह को कुछ दिन पूर्व ही स्वर्णमंडित किया गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने आईटीबीपी को केदारनाथ धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल यहां पर आईटीबीपी के 30 जवान तैनात किए गए हैं। इनकी मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस के 20 जवान भी केदार घाटी की कड़ी ठंड में तैनात रहेंगे। हमारे 30 आईटीबीपी के जवान हैं, पोस्टेड हैं, जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है वहाँ पर। उसमें हमारी पुलिस के जो बल हैं वो उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में उनका ये काम रहेगा कि जैसे लोकल लेवल पे कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ एलओ इश्यूज होते हैं, उसमें उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके ऊपर टॉप में जो केदारनाथ मंदिर है वो जो टेक ओवर जो है आईटीबीपी के जवानों ने कर लिया है, जिनकी सुरक्षा संबंधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उधर पे। तो सिविल प्रशासन में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिल के हम लोग आईटीबीपी के साथ में कोऑर्डिनेट। आपको बता दें कि केदार घाटी में लगातार हर दिन मौसम में तेजी से गिरावट आ रही है और ऐसी ठंड में सेना के जवान 24 घंटे मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे।